फिल्में समाज का आईना होती हैं। ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, मगर आज हम उन फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें देखने के बाद लोग दुआ करने लगे कि ऐसा किसी के साथ ना हो। इन फिल्मों ने लोगों की रूह तक कपा दी थी। वजह थी इन फिल्मों में मौजूद सरफिरा आशिक। जी हाँ, जल्द ही सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं। उनकी फिल्म तड़प एक ऐसे ही सरफिरे आशिक की कहानी बयां करती है जो प्यार में मर मिट जाता है। तड़प ने कबीर सिंह से लेकर डर तक हमें उन फिल्मों की याद दिला दी जिनका नायक प्यार में पूरी तरह पागल होता है। ये हीरो प्यार में जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। तो चलिए जल्दी जल्दी इन फिल्मों के बारे में आपको बता देते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने नहीं किया है रियल रिवाइंड को सब्सक्राइब तो अभी कीजिए और साथ में लगा बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। कबीर सिंह, सबसे पहले बात करेंगे 2018 में सिल्वर स्क्रीन पर पहुंची शाहिद कपूर स्टारर फिल्म कबीर सिंह की, जिसमें हीरो बेहद गुस्सैल और प्यार में चूर होता है। कबीर सिंह में शाहिद कपूर को बदहवास और सरफिरे आशिक के रोल में लोगों ने खूब पसंद किया था। आशिकी 2, फिल्म आशिकी 2 में भी आदित्य रॉय कपूर ने एक ऐसे ही सरफिरे आशिक का किरदार निभाया था जिसे एक आम सी लड़की से प्यार हो जाता है। बाद में वो अपनी कमियों की वजह से और अपने प्यार के हाथों मजबूर होकर खुदकुशी कर लेता है। धड़कन, अहान शेट्टी ही नहीं उनके पापा सुनील शेट्टी भी फिल्म धड़कन में एक ऐसे ही सरफिरे आशिक का किरदार निभा चुके हैं जिसकी प्रेमिका अपने पापा की पसंद से एक अमीर लड़के से शादी कर लेती है। उसे पाने के लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रातों रात अमीर बन जाते हैं, मगर फिर भी उसे हासिल नहीं कर पाते। देवदास, सुपरस्टार शाहरुख खान स्टारर फिल्म देवदास भी एक ऐसे ही अमीर लड़के की कहानी थी जिसे गरीब और छोटी जाति की खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है। इनके बीच भी अमीरी गरीबी की दीवार आ खड़ी होती है और इनका मिलन नहीं हो पाता। इसके बाद फिल्म का हीरो खुद को प्यार में बर्बाद कर लेता है। जीत, सनी देओल ने फिल्म जीत में एक टपोरी का किरदार निभाया था जिसे एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है, मगर उसकी शादी एक अमीर लड़के से हो जाती है। सरफिरे आशिक के किरदार में लोगों ने सनी देओल को खूब पसंद किया था। डर, शाहरुख खान ने फिल्म डर में भी एक ऐसे ही सरफिरे आशिक का किरदार निभाया था। फिल्म में शाहरुख खान का दीवानापन देखकर लोगों की रूह कांप गई थी। इस फिल्म में शाहरुख खान एक ऐसे लड़के के रोल में थे जो अपने कॉलेज की लड़की से प्यार करता है मगर उसे बयां नहीं कर पाता, बाद में वो उसे छुप छुप कर परेशान करता है। तड़प, और अब बात करते हैं आने वाली फिल्म तड़प की। सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी की डेब्यू फिल्म तड़प एक ऐसे ही लड़के की कहानी है जिसे अमीर लड़की से प्यार हो जाता है। टूटकर चाहने के बाद भी ये कपल एक नहीं हो पाता जिसकी वजह अमीरी और गरीबी की दीवार होती है। फिर एक्टर क्या करता है ये हमें 3 दिसंबर को पता चलेगा जब फिल्म थिएटर में पहुंचेगी। फिलहाल आप हमें ये कमेंट करके बताना मत भूलिएगा इन सरफिरे आशिकों में से आपको किसकी एक्टिंग सबसे जबरदस्त लगी थी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और रियल रिवाइंड को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। रियल रिवाइंड।